नसीब मेरा सवाल था दाढ़ी के हद से ऊपर था, तो जैसे मैं दाढ़ी रखा जी हूँ तो मेरी बड़ी हो रही है, तो एक एक मतलब एक उसके बाद ना सिर्फ दाढ़ी मेरी मुड़ने लग रही है मतलब, तो सिर्फ उस टाइम हम दाढ़ी का नीचे वाला हिस्सा काट सकते हैं जैसे, और जो गाल के ऊपर जो बाल आते हुए नाक के आजू बाजू, तो उसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं सही करवा सकते हैं क्या, सैलून वगैरह से सेटिंग वगैरह करा सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वसलातु वसलाम अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल दाढ़ी के बारे में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसें हैं जिनमें दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। तकरीबन 4 या 5 तरह के अल्फाज हैं, उन तमाम अल्फाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र का सेगा इस्तेमाल करके दाढ़ी को छोड़ने और उसे बढ़ाने का हुक्म दिया है। उन्हीं सेगों में से एक सेगा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आफुल लेहा। इसी तरह से एक हदीस में है कि वो फिर अल्लेहा, एक हदीस में है औफू अल्लेहा, एक दूसरी हदीस में है अरफू अल्लेहा। तो देखिए ये 4 तरह के अल्फाज हो गए, तो इन तमाम अल्फाज का माना ये है कि दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को छोड़ करके रखो। लिहाजा दाढ़ी को बढ़ाना ये हमारी शरीयत के अंदर वाजिब करार पाया। अब दाढ़ी को कितना बढ़ाना है इस सिलसिले में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन बाज सहाबा से आसार मरवी हैं कि वो एक मुश्त से ज्यादा हाथ से पकड़ने के बाद एक कब्जे से जो ज्यादा होता था उसको काटते थे। तो लिहाजा अगर एक कब्जे से जो जायद है उसको काटना ये जायज है, लेकिन एक कब्जे से कम रखना या दाढ़ी को मुकम्मल शेव कर देना, क्लीन कर देना, ये हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। भाई का सवाल यह है कि अगर दाढ़ी इतनी बड़ी है कि उससे तकलीफ होती है, वो बिखरी रहती है, तो अगर दाढ़ी इस तरह से है कि जिसको संभालने में आपको तकलीफ होती है, बिखरी हुई है, तो दाढ़ी का वो हिस्सा जो बिखरा हुआ है उस हिस्से को सेट करना ये जायज है। अगर दाढ़ी इस तरह से बड़ी हुई है, मान लीजिए चेहरे पर ऐसी दाढ़ी आई है कि मुंह पर चली जा रही है, तो उसको सेट करना ये जायज है उस हद तक। लेकिन अगर आप दाढ़ी को एक कब्जे के अंदर रखे हुए हैं, उसके बाहर का जो हिस्सा है उसको काट रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं होगी। खुलासा ये कि अगर किसी हिस्से से आपको तकलीफ हो रही है, उसका कोई हल नहीं है, तो उतने हिस्से को आप सेट कर सकते हैं।